से एक बार स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। भारतीय जनता पार्टी के जनसंपर्क यात्रा व लोक सुराज समाधान शिविर दोनों साथ साथ चल रहा है। इसी कड़ी में कोटा विधानसभा चुनाव लड़ चुके काशीराम साहू, जो वर्तमान में कोटा विधानसभा प्रभारी हैं, आज जयस्तंभ चौक से मेन रोड होते हुए बस स्टैंड तक सभी वार्डों में नगर में आम नागरिकों के साथ जनसंपर्क किया। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। आज हम लोग 1 से 15 वार्ड तक पूरी महिला एवं पूरे विधानसभा के पूरे पदाधिकारी, अध्यक्ष, महामंत्री, पूरे सबके सब साथ में डोर टू डोर पूरे एक एक घर में कार्यकर्ताओं से मिलकर हमें बहुत खुशी हो रही है। हम चाहते हैं इस बार 4वीं बार सरकार, और हम चाहते हैं कि कोटा विधानसभा में हम एक अच्छे विधायक लाने के प्रयास में है, और हम महिला बहनों के साथ मिलकर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि इस बार कांग्रेस ना लाके भाजपा विधायक लाने की कोशिश में है, और कोशिश जारी भी है। घर घर डोर टू डोर पूरी महिलाएं सरकार के कामकाज से बहुत एकदम खुशी है। खासकर शौचालय बहुत महिलाएं बहनों को तो बाहर बहुत जाना पड़ता था, बहुत परेशानी था, उनके साथ बहुत छेड़छाड़ की बातें चलती थी, लेकिन वो सरकार इनके द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया, जो घर घर में शौचालय इनके द्वारा बनाया गया, और अभी महिला बहनें गरीब हैं जो उनके घर में अभी मकान नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी इनका भी रहने का भी व्यवस्था बना दिए हैं। हम चाहते हैं सरकार 4वीं बार बने, विधायक बने, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, यही नारा है। इस बार क्या महिला विधायक अगर बनती तो खुशी होगी आपको? बहुत ज्यादा खुशी होगी हमको, क्योंकि महिला बहने बनेंगी, कम से कम दुख सुख में साथ देंगे, और बहने भी साथ रहेंगे, और हमसे हमारे ऐसा नहीं है कि बहने बस बने, जो भी बने हमारी भाजपा के और कमल छाप ही बने, यही चाहते हैं। अगर आपका नाम प्रस्तावित होता है तो क्या आप लड़ेंगे चुनाव? लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, महिला आज के समान या फिर बातें हैं कि कॉमन बातें हैं। सरकार महिलाओं बहनों को बहुत ज्यादा अभी दिया जा रहा है, सुरक्षा के देखते हुए हम लोग महिला बहने बहुत एकत्रित हैं कि हम लोग विधायक के लिए भी दावेदारी कर सकते हैं, हमें अगर ये मौका मिले तो जरूर। परिचय बता दीजिए। महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष गायत्री साहू। यात्रा के बारे में बताएंगे, कहां से कहां तक निकले? ये 11 तारीख से रतनपुर से पूरा कोटा विधानसभा क्षेत्र में हम लोग जनसंपर्क निकाले हैं, और 6 मंडल के मंडल के अध्यक्ष पदाधिकारी और युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, जिले के हमारे सब पदाधिकारी पूरा जनसंपर्क में डोर टू डोर हम लोग जा रहे हैं, और सरकार का जो योजना है जन्म से मृत्यु तक के जो योजना सरकार का है उसका लाभ आम जनता तक के पहुंच पा रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी चुनाव नहीं है, और इसलिए सरकार सभी कार्यकर्ताओं को एक जाने के लिए घर घर तक सरकार के योजना ताज़ा लोगों तक पहुंचाने के लिए तो जनसंपर्क यात्रा हम लोग निकाले हुए हैं, और एक अच्छा इसका हम लोग को फायदा मिल रहा है। जाने से छोटी मोटी जो हमारे काम नहीं हो पा रहा है कि हम लोग प्रयास करें वो काम को दूर करने के लिए। आप मतलब विधानसभा प्रभारी है, यहाँ पर नगर पंचायत में बहुत अनियमितताएं हैं, कई बार शिकायत मिलती है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है यहाँ पर? नहीं, आपस में है इनका थोड़ा बहुत, और हम लोग बैठ कर उसको सॉल्व करेंगे, कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, पार्टी का नुकसान हो रहा है, और हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे बैठ कर। भाजपा के पीएससी मेंबर के द्वारा 3 लोगों के द्वारा इस्तीफा की पेशकश की गई और लिखित में शिकायत की गई नगर पंचायत में, अभी यहाँ पता चला है हमको, और उसके विषय में अपन लोग मीटिंग करेंगे। अभी कार्यक्रम की तकलीफ करने के बाद हमारे जिला के पदाधिकारी हैं यहाँ लोकल है, और इस विषय में हम लोग स्थानीय प्रत्याशी को लेकर अभी भी उत्सुकता बनी हुई है कोटा विधानसभा में, क्या इस बार फिर से काशीराम साहू जी अस्वस्थ हैं? आदमी के मन में यही तो रहता है, लेकिन पार्टी हाईकमान तय करता है, और वो जो हाईकमान तय करेगा, हमारा एक प्रत्याशी लड़ेगा वो है कमल साहब, वो फाइनल है, हम लोग उसी के लिए वोट मांग रहे हैं। प्रत्याशी कोई भी हो सकता है, आपके बीच से भी हो सकता है प्रत्याशी, उसमें हमको कहीं कोई संदेह नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे, और अब भारतीय जनता पार्टी की लाइन यहाँ से ये हम लोग काशीराम साहू के बारे फोटो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की ये जो यात्रा है 11 तारीख से चालू हुई है, 31 तारीख तक चलेगी, 90 टोली पूरे प्रदेश के अंदर निकली है, जिन क्षेत्रों में विधायक नहीं है वहाँ कार्यकर्ता झंडा उठा करके चल रहे हैं, जहाँ विधायक है वहाँ वे विधायक नेतृत्व कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में
हेलीकॉप्टर से स्थान स्थान पर उतरकर अवलोकन कर रहे हैं और शासन की योजनाओं से भी अवगत करा रहे हैं और जानकारी भी ले रहे हैं। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी यात्रा की पार्टी, संघर्ष की पार्टी रही है। भाजपा को कहा जाता है कि यह यात्रा की पार्टी है। प्रदेश में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि 65+ वो लक्ष्य की पूर्ति होगी। नागालैंड की बात हो, त्रिपुरा की बात हो, चाहे पूर्वांचल में जितनी भी सीटें हैं, आज भारत के नक्शे पर 74% का जो भूभाग है वो भारतीय जनता पार्टी से आच्छादित हो गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका सही तरीके से कोटा नगर पंचायत में क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। पूरे देश के अंदर चाहे कोटा हो या मैं तो पूरा छत्तीसगढ़ घूम रहा हूँ, सबसे अच्छा प्रतिशत यदि किसी का मिल रहा है तो प्रधानमंत्री आवास का मिल रहा है। यहाँ भी कहीं छोटी मोटी कोई बात होगी उसको दूर करेंगे। लेकिन कोटा नगर पंचायत में नहीं हो रहा सर? नहीं, कोटा में भी हो रहा है। नहीं सर, क्या ठेकेदार भी अच्छा हो रहा है? ठेकेदार को क्या ऑथराइज किया गया क्या रायपुर? नहीं, ऐसा किसी प्रकार की बात नहीं है। ये जो भी बातें आ रही है छोटी मोटी उसको हम बैठ करके दूर करें। नहीं, लगभग वहाँ पर जो जिनका आवास हितग्राही हैं उनका यह कहना है कि उनको लगभग 40,000 रुपए पहले जमा करने के लिए बोला जा रहा है, क्या इसमें रूल? इसके विषय में मुझे जानकारी नहीं है, लोकल बातें जो है अभी हम बैठेंगे और उसको बैठ करके दूर करें। कोटा जनसंपर्क यात्रा में कैसा होने की रिस्पॉन्स मिला? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, अच्छा प्रतिसाद है, मैंने आपसे पहले भी कहा। और यहाँ की जनता यहाँ के विधायक से उब चुकी है और वो परिवर्तन करना चाहती है। इस बार क्या कांशीराम साहू जी पुनः फिर से आएंगे क्या? बहुत कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी का कमल का सिंबल लड़ता है, भाजपा लड़ती है। सत्ताधारी जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सांसद हमारे लखन साहू जी भी हैं, यहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्ष भी हैं मौजूद, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो PIC मेंबर हैं उन्हें अभी किसी कारण से इस्तीफा देना पड़ा, इसका इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अभी हम लोग सब बैठने वाले हैं, बैठ करके बहुत सारी बातें करेंगे। क्या है जैसे यहाँ पर कोलवासी जैसी समस्या है, उन मुद्दों को लेकर उन्होंने आया? जितनी भी बातें हैं जो लोकल बातें हैं, जैसे आपने PIC की बात कही और कुछ कुछ बातें कही, उसके लिए हम लोग चिंता कर रहे हैं। क्या एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव भी नहीं हो पाता है क्या? अभी जैसे हमारे सांसद महोदय तो वहीं हैं, पिछले बार दिलीप सिंह जुदेव जी ने प्रयास किया था लेकिन उसके बाद प्रयास आगे नहीं बढ़ पाया, तो कम से कम यहाँ 20 से 22 ट्रेनें स्टॉपेज यहाँ से निकलती हैं एक्सप्रेस। ये पहले भी ये आवाज उठी थी और इस क्षेत्र के लिए है, जरूरी बातें हैं और कहीं ना कहीं अपन ऊपर तक सक्षम व्यक्ति तक पहुँचाएंगे। परिचय बता दें सर। संतोष पांडे, प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब साथ दे रहे हैं, अपेक्षा है इसी साथ।